Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. So today I am going to discuss part 2 of our unit 1, that is teaching aptitude from UGC NEET and State paper 1 teaching and research aptitude. Okay, so last lesson mein hum logo ne discuss kiya tha what are the method of teaching, and with the help of some previous year questions paper we discuss all our questions. Okay, so next we will discuss the remaining part. Question number 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चंस. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ लर्निंग. एसर्टेशन में दिया है, रीजन दिया गया है एस अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल. ओके, सो बिफोर दिस क्वेश्चन हम लोगों को पहले जानना है देन व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन. ओके, एंड हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. ओके, ये जो है वो इवैल्यूएशन का टाइप्स होता है, और इवैल्यूएशन टाइप्स बहुत सारा है. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग. ओके, सो ये सभी जो है ये इवैल्यूएशन टाइप्स होता है. एंड और भी है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग एंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. सो क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन क्या है. ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. यहाँ पे देखिए, to identify problems in teaching learning process, provide feedback for improvement, remedial measures also known as internal evaluations. The time period is during the course, and domain are cognitive psychomotor domain, and जो टेक्निक्स है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है, स्कोर, क्राइटेरिया रेफरेंस एंड यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट. ओके, देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम लोगों को क्या पता चला है कि ये जो ऑनगोइंग क्लास प्रोसेस में जो हम लोगों को टेस्ट लेते हैं, टीचर्स यूनिट टेस्ट लेता है, चैप्टर टेस्ट लेते हैं. ओके, सो ये जो है ऑनगोइंग क्लासरूम में जो जो हम लोगों का टेस्ट होता है वो क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का होता है. ओके, एंड ये क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओके, अगर क्लास प्रोसेस में ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है देन ये सोल्यूशन करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में. ओके, सो ये जो होता है ड्यूरिंग कोर्स वर्क के टाइम में होता है. ओके, हम लोग क्लास जब चलते रहते हैं उसी टाइम में होता है. देन समेटिव इवैल्यूएशन में देखिए, टू ग्रेड एंड क्लेरिफाई स्टूडेंट्स एंड टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग. सो फाइनली समेटिव में क्या होता है, एट द एंड होता है. ओके, हम लोग ग्रेड करते हैं कि इसको ए ग्रेड मिला, इसको बी ग्रेड मिला है. एंड टाइम पीरियड देखिए, ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स. सो कोर्स जो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, कोर्स कवर कर लिया, उसके बाद जो होता है टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सेमिनार, हम लोगों का जो सेमिस्टर टेस्ट होता है, ये सब होता है समेटिव टेस्ट. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते बोर्ड एग्जाम, टर्म एन एग्जाम, फाइनल ईयर एग्जाम, ये सब जो लास्ट में होता है, जो ग्रेड करता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन मिलता है, सो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन. बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये ऑनगोइंग क्लासेस में होता है, लाइक यूनिट टेस्ट एंड रिटन टेस्ट. ओके, सो हम लोगों को पता चल गया है फॉर्मेटिव एंड समेटिव के डिफरेंस. देन हम लोग अटेम्प करेंगे दिस क्वेश्चंस. सो अभी फिर से पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ लर्निंग. यस, ये तो बिल्कुल ही सही होगा, बिकॉज क्या होगा, हम जो लर्निंग प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस को एक्सीलरेट करते हैं. ठीक है, इन इसका रीजन क्या दिया है, एस अगेन समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल. ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग खुद ही सोचो, अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिलायबल होता देन जो ग्रेड्स होता है इट विल बी बेस्ड ऑन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ओके, सो समेटिव इवैल्यूएशन जो लास्ट टाइम हम लोग अच्छे से पढ़ के जो टेस्ट देते हैं वो ज्यादा रिलायबल होता है. सो यहाँ पे क्या होगा, एसर्टेशन ए इज करेक्ट, बट जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है. सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ओके, सो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है,
Just a second. Okay. Question number 7. Which of the following set of statements reflect the basic characteristics of teaching? So, यहाँ पे हम लोगों को पता चलना चाहिए what are the characteristics of teaching. Okay. हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं बिकॉज कुछ क्वेश्चन यूजीसी नेट का ऐसा होता है जो आप लोग नहीं पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस. सो इसीलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं. टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग. टीचिंग एंड ट्रेनिंग दोनों सेम है क्या? आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. ठीक है. सो टीचिंग एंड ट्रेनिंग क्या होगा जो है वो सेम होगा क्या? नेक्स्ट टू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच. सो यहाँ पे दिया है जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऐसे पढ़ाओ, कंडीशन दिया गया है जिस कंडीशन में वो लोग टीच करते हैं. ठीक है. ये जो है ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा. ठीक है. और जो ऑप्शन 1 दिया है टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग, ये तो नहीं होगा. ट्रेनिंग अलग चीज होता है, टीचिंग भी अलग ही एक चीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन 3. टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग. सो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड होता है. यस, ये तो बिल्कुल ही सही है. इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग. अगर टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड नहीं होगा देन इसका फायदा ही नहीं है. देन हम लोग अभी इसमें कॉन्फर्मेशन हो गया, देन हम लोग अभी ऑप्शन 3 कहाँ पे है वो ढूंढेंगे. ठीक है. 1, 2, 3. ठीक है. ऑप्शन 3 यहाँ पे भी है, ऑप्शन 3 यहाँ पे भी है, ऑप्शन 3 यहाँ पे भी है. देन इसका मीनिंग है डी जो ऑप्शन से ये हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, डी को एलिमिनेट कर दिया है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे. टीचिंग इज ए टास्क वर्ड व्हाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड. ओके, देन टीचिंग एक काम होता है, लर्निंग जो है वो अचीवमेंट होता है. ये भी बिल्कुल सही है. देन ऑप्शन 4 कहाँ है हम लोग देखें. ऑप्शन 4 यहाँ नहीं है, ऑप्शन 4 भी यहाँ नहीं है, ऑप्शन 4 यहाँ पे है, बी में है. देन ऑप्शन ए सी एंड डी तीनों को एलिमिनेट कर दिया. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो देखिए आप लोग कि विदाउट सीइंग द ऑप्शंस, ओके, हम लोग कंप्लीट जो ऑप्शन से पढ़ा ही नहीं, हम फिर भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है. फिर भी आप लोगों का जो है तसल्ली के लिए मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ. देखिए, टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन. टीचिंग इन्फॉर्मेशन गिवन होता है क्या? नहीं. इन्फॉर्मेशन तो मोबाइल भी हम लोगों को देता है, इंटरनेट डाटा भी देता है, देन वो तो टीच नहीं करता है ना. ठीक है. तो टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन. सो ऑप्शन 5 यहाँ नहीं है. ओके, वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस. ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वन में टीच हम लोग मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोगों को टीच कर सकती हूँ विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस. आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू. सो ये भी यहाँ पे आंसर है. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, आप लोग शायद ये बात समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following factors affect teaching? So the correct code to indicate your answer. Okay. Then यहाँ पे बोला है कि what are the factors that affect teaching? कौन कौन सा factor teaching को affect करता है? Okay. So option 1 दिया है teacher's internal locus of control. Okay. Teacher internal locus of control जो है ये थोड़ा doubts में है कि होगा कि नहीं होगा. ठीक है. हम लोग दूसरे option देखते हैं. अगर आप पहले ही option में confused हो जाते हैं then दूसरे option में जाना है. Okay. Learner's motivation होगा कि नहीं, ये तो हो सकता है. ऑप्शन 2 हो सकता है. ऑप्शन 3 में देखिए टीचर्स बायोग्राफिकल डाटा, ये देखिए ये तो कभी भी होगा ही नहीं. टीचर्स का जो बायोग्राफी डाटा वो टीचर्स जो टीचिंग इफेक्ट कैसे कर सकता है, वो कहाँ से आता है, कहाँ वो उसका बर्थ प्लेस कहाँ है, ये सब जानना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन 3 कहाँ कहाँ है. देखिए ऑप्शन 3 बी में है, ऑप्शन 3 सी में है, ऑप्शन डी 3 में भी है. इसका मीनिंग क्या है? बी सी डी को एलिमिनेट करके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो इन दिस वे हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. आप लोगों को पता चल गया है कि कैसे हम लोग विद इन ए मिनट, एक मिनट भी नहीं लगता है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, कैसे
सो फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ. तीसरा सेल्फ एफिकेसी, लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज. ओके, सो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 9, which combination of method of teaching is likely optimize the learning. So, कौन सा method में learning optimize होता है, learning सबसे ज्यादा हो सकता है. ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन ए lecture, discussion, seminar method. ऑप्शन बी पढ़ते हैं interactive discussion. ये थोड़ा इससे ज्यादा अच्छा होता है. ठीक है, प्लान लेक्चर, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर लिखा था और यहाँ पे प्लान लेक्चर लिख दिया. सो ये जो है वो ज्यादा, इसका वेटेज जो है वो ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन, ये भी थोड़ा सेमिनार से बेटर ऑप्शन है. मगर हम लोग दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे बिकॉज अभी तक हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन नहीं मिला है. ठीक है, इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बास सेशन. हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बास सेशन क्या होता है, कि 2-3 लोग जो है वो एक साथ होके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. और इंटरेक्टिव लेक्चर सेशंस होता है फॉलोड बाय द बस सेशन. ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, एक जो टॉपिक जो टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को लेके एक क्वेश्चन पहले से ही दे दिया जाएगा और स्टूडेंट्स का आइडिया कलेक्ट करते हैं एंड प्रोजेक्ट्स देते हैं. प्रोजेक्ट देने से और भी ज्यादा लर्निंग जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन डी पढ़ते हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन. देखिए, सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज ये पावर पॉइंट बेस्ड जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग 100% श्योर नहीं बोल सकते कि लर्निंग ऑप्टिमाइज करेंगे. जो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया है, प्रोजेक्ट इज बेटर ऑप्शन देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. सो दिस इज फॉर ऑल टूडे. हम लोग यहीं तक आज का वीडियो जो है खत्म करते हैं. नेक्स्ट वील डिस्कस अवर नेक्स्ट पार्ट. ओके, इफ यू लाइक्स अवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप देन यू कैन जॉइन अस. आई विल गिव यू द लिंक बिलो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.